गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमारा हिंदी पढ़ेंगे। हम कक्षा 6 की हिंदी चैप्टर है हमारा 6। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया था, हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। पार्ट का नाम है तावे का सिक्का। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, गौरव उदय के घर पहुँच चुका था, क्या लेकर, एक तावे का सिक्का लेकर। और उसकी वो जहाँ कुर्सी पर बैठा हुआ था तो उसी कुर्सी के पीछे दबे पाँव खड़ा हो गया। इसके बाद फिर झपट मारकर उदय के हाथ से पुस्तक छीन ली। उसको जो तावे का सिक्का मिला था वो दिखाने के लिए गया था अपने दोस्त को, तो उसने हाथ से पुस्तक छीन ली और बोला, ओ किताबी कीड़े उदय साहब। उसने आश्चर्य के साथ अपने दोस्त से बोला कि ओ किताबी कीड़े, जो किताब को पढ़ रहा था। तो उसने क्या उपमा दी उसको, किताबी कीड़े। उदय भाई साहब फ्रांस के महान उपन्यासकार अलेक्जेंडर ड्यूमा की अमर कृति 3 तिलंगे पढ़ने में इतने मसरूफ़ हो कि हमारे आने की खबर ही नहीं हुई। जो पढ़ रहा था उदय, क्या पढ़ रहा था अपनी पुस्तक में, एक फ्रांस की महान उपन्यासकार हैं अलेक्जेंडर ड्यूमा, उनकी अमर कृति के बारे में वो पढ़ रहा था। तो उसने कहा, ओ साहब तुम्हें ना इनके बारे में पढ़ने में इतने बिजी हो, मसरूफ़ हो या व्यस्त हो कि तुम्हें हमारे आने की खबर ही नहीं हुई। तो उदय चौंकते हुए बोलता है, अरे हाँ, तुम तो चाचा जी के साथ मित्रों की प्रदर्शनी देखने के लिए गए थे, कैसी लगी प्रदर्शनी? उदय बोलता है आश्चर्य के साथ, हाँ तुम तो चाचा जी के साथ प्रदर्शनी देखने गए थे, तो वो तुम्हें कैसी लगी? और वो बोलता है, गौरव भाई अपनी समझ से परे है यह मॉडर्न आर्ट। बोलता है, हमारी समझ से तो अलग है ये मॉडर्न आर्ट, लेकिन वहाँ जाने का फ़ायदा यह हुआ कि मेरे हाथ एक दुर्लभ वस्तु लगी है, दुर्लभ मतलब कि एक अच्छी वस्तु लगी है। कहते हुए वह उदय अपनी मुट्ठी बंद सिक्के दिखाने के लिए उतावला हो उठा। ऐसा कहते हुए गौरव उदय को, जो उसकी मुट्ठी में सिक्का था बंद मुट्ठी कर रखी थी, उसको दिखाने के लिए उतावला हो उठा। गौरव ने बंद मुट्ठी खोली। गौरव ने क्या किया, फिर बंद मुट्ठी को खोला, वहीं तावे का सिक्का था। उदय ने उसकी हथेली से सिक्का लेकर जब ध्यान से देखा तो आश्चर्य एवं विस्मय के स्वर में उसके मुंह से यह शब्द निकले, ओह। जब उसने सिक्का देखा उसकी मुट्ठी में तो एकदम विस्मय के साथ, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे अंदर आत्मा से एकदम आह निकलती है जिसको हम बोलते हैं ओह, तो उसने उसके मुँह से कैसा शब्द निकला, ओह। मैंने तो ऐसे सिक्के की कल्पना नहीं की थी, यह तो ईस्ट इंडिया कंपनी का आधे आने का सिक्का है। उदय बोलता है, हमने तो ऐसे सिक्के की कभी सोचा ही नहीं था कि हमें ऐसा सिक्का देखने को मिलेगा, यह तो ईस्ट इंडिया कंपनी के का सिक्का है जो आधे आने का सिक्का है। फिर इसके आगे क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड की परत जमाने से सिक्का मटमैला हो गया था। टेबल लैप पर रोशनी में रखकर उसने सिक्के को ध्यान से देखते हुए गौरव से कहा, सिक्का कैसा हो गया था, मटमैला हो गया था क्योंकि वो बहुत पुराना था। तो उसने टेबल पर रखा और रोशनी जलाई, कुछ टॉर्च वगैरह जलाई और उसे ध्यान से देखने को कहा। गौरव, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का है। गौरव कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरे हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का है। यह देखो, सिक्के की दूसरी तरफ तो सिंहाकृति है, दोनों ने ही अपने एक हाथ से एक एक पताका थामी है और नीचे सन 1835 लिखा है, संभवतः यह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतीक चिन्ह होगा। वो सोचने लगे कि दूसरी तरफ इसमें सिंह पड़े हुए हैं, शेरों की आकृति पड़ी है और दोनों तरफ उन्होंने झंडा लिया हुआ है, तो निश्चित ही 1835 में लिखा हुआ होगा, यह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतीक चिन्ह होगा। उदय अब गौरव के पास आकर बैठ गया, सिक्के को अब भी बारीकी से उलट पलट कर देख रहा था। कुछ देर बाद उसने गौरव से कहा, गौरव
तुमने तो मेरे सिक्के का संग्रह देखा ही है। मेरे पास ब्रिटिश शासित भारत के 50 से अधिक सिक्के हैं, जिनमें रानी विक्टोरिया का चांदी का रुपया भी है। पर ऐसा दुर्लभ सिक्का, वह भी 1880 वर्ष पुराना, यदि मेरे संग्रह में होता तो क्या बात होती। गौरव से कह रहा है कौन, उदय, कि तुमने मेरा संग्रह देखा है। गौरव बोलता है उदय से कि तुमने मेरा संग्रह देखा है। संग्रह मतलब कि जहाँ उसने सारे सिक्के इकट्ठे करके रखे थे, उसको देखा है क्या? उसमें सभी सिक्के मिलेंगे आपको, ब्रिटिश शासन के तक सिक्के मिलेंगे, लेकिन उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उस समय का सिक्का नहीं है। उदय के चेहरे पर मायूसी देखकर गौरव ने कहा, जहाँ से मैंने यह सिक्का खरीदा था उसके पास सिर्फ यही एक बचा हुआ था। हाँ, ऐसे सिक्के दुर्लभ होते हैं, तुम किस्मत वाले हो जो तुमने इसे पाया, उदय ने कहा। हाँ, बहुत कम मिलते हैं ऐसे सिक्के, पर तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारे लिए ये सिक्का मिला है या तुमने ये सिक्का पाया है। कुछ दिनों के बाद की बात है, फिर इसके बाद सिक्का मिला है, इसके बाद कहता है वो, कुछ दिनों के बाद की बात है, एक सुबह गौरव ने घर में अच्छा खासा बवाल मचा दिया। कुछ दिनों बाद गौरव ने अपने घर में एक अच्छा खासा बवाल मचा दिया। बैठक में स्थित अपनी अलमारी में रखे सारे सामान को उसने बिखेर दिया। हर किताब कपड़ों को अच्छी तरह से झटकार कर देख लिया। अलमारी के हर कोने में भी की तलाश ली। उसका ईस्ट इंडिया कंपनी का तांबे का सिक्का कहीं नहीं मिला। अब वो घर लौट आया था और उसने अपना सिक्का कहाँ रख दिया था, अलमारी में रख दिया। और कुछ दिन बाद उसने अलमारी को खोल के देखा, वहाँ की सारी किताबें कपड़े सब कुछ बखेर दिया और एक एक करके सबको झटकार के देखा, लेकिन उसे वह सिक्का कहीं नहीं मिला। जिस डिब्बे में वह अपने संग्रह किया था सिक्का रखा था, लेकिन उसको कहाँ मिल गया वह सिक्का, जिसमें उसने सारे सिक्के रख रखे थे एक डिब्बे में, उसमें मिल गए। उसमें सभी सिक्के ज्यों के त्यों पड़े थे, सिवाय तांबे का सिक्के के। उसमें सभी सिक्के थे लेकिन उसमें तांबे का सिक्का नहीं था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सिक्का गया तो आखिर कहाँ। अब वो सोचने लगा कि ये सिक्का कहाँ गया होगा। एक बार तो वह कल्पना कर बैठा कि पुराना सिक्का होने के कारण संभव है उसमें कोई जादू शक्ति होगी, इसलिए स्वतः ही डिब्बे से गायब हो गया। अब वो सोचने लगा कि सिक्का तो बहुत पुराना था, हो सकता है इसमें कोई जादू शक्ति हो, इसलिए वो अपने आप गायब हो गया हो डिब्बे से। पर थोड़ी देर बाद वह इस विचार पर झेप गया, झेप गया मतलब कि उस विचार से वो हट गया जो उसने सोचा था, उसमें कुछ संदेह करने लगा। उदय उस दिन के बाद उससे मिला ही नहीं था। बीच में पता चला कि एक दोपहर जब वह घर पर नहीं था तब उपन्यास लौटने उदय आया तो था। अब उसने पता चला कि जिस दिन गौरव घर पे नहीं था उस दिन गौरव यहाँ पर आया था दोपहर के समय, तब उस उपन्यास लौटने उदय वहाँ पर आया था, पर बिना कुछ बोले जल्दी ही चला गया। गौरव के मन में प्रश्न किया, क्या सिक्का उसी ने तो नहीं चुराया। अब गौरव के मन में एक प्रश्न होने लगा कि क्या सिक्का उदय ने तो नहीं चुराया। उदय को पता था कि वह अलमारी में सिक्का कहाँ रखता है, जरूर उसने मेरी अनुपस्थिति में उपन्यास लौटने वाले दिन सिक्का चुराया होगा। अब वो सोचने लगा कि जरूर जब हम घर पे नहीं थे तो वो हमारे घर आया और उसने सिक्का चुरा लिया, क्योंकि उसको पता था हम अलमारी में सिक्के रखते हैं। यह संयोग था या दुर्योग, अब वो सोचने लगा कि यह संयोग था या दुर्योग। यहाँ गौरव गुस्से से तमतमाता, उसके शक को यकीन में बदलते हुआ बैठक में चहल कदमी कर रहा था। वहाँ अखबार पर पुलिंदा हाथ में थामे हंसते हुए उदय का प्रवेश हुआ। तभी वो क्या करने लगा, यकीन उसको हो गया कि उदय ने ही चोरी की होगी इस सिक्के की, और वो बैठक जहाँ वो बैठते थे सभी लोग वहाँ पर बैठ के शोरगुल करने लगा। तभी अचानक ही उदय आया अपने हाथ में एक अखबार लेके, पुलिंदा हाथ में थामे हुए हंसते हुए वहाँ पर आया। आइए उदय साहब, उसने गौरव ने कहा, आइए उदय साहब, इतना खुश होकर क्या अब क्या चुराने आए हो, आश्चर्य के साथ बोला। आइए उदय साहब, इतने खुश होकर तुम क्या चुराने आए हो, उदय ने बोला। चुराने,
मैं समझा नहीं यार, मैं तो तुम्हें एक ऐसी खबर सुनाने आया हूँ कि तुम्हारा दिल खुशी से झूम उठेगा। तुम्हारे लिए तो यह खुशी की बात ही है कि तुमने बड़ी सफाई से मेरे तावे का सिक्का चुरा लिया, गौरव बोलता है। उदय यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का मतलब कि एकदम चुप रह गया, उसको सदमा सा लग गया यह सुनकर कि सिक्का उसने चुराया है, और वो चुप रह गया। उदय शांत और गंभीर खड़ा रहा, चुपचाप और गंभीर टेंशन में खड़ा रहा। आज गौरव के कटु वचनों से उसके स्वाभिमान को गहरी ठोस पहुंची थी। उसे सिर्फ यही कहते बना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं चुराया। आज तुम आपे से बाहर हो रहे हो। ठंडे दिमाग से कभी इस घटना पर विचार करना, तब पता चलेगा कि दोषी कौन है। अब नहीं आऊँगा, उसने कहा। तुम्हें ना अभी बहुत गुस्से में हो, हमने तुम्हारे पैसे नहीं चुराए हैं, तुम्हारा सिक्का नहीं लिया है। तुम किसी दिन ठंडे दिमाग में बैठ के सोचना, तब तुम्हें पता चलेगा कि दोषी कौन है। भरे आए कंठ से यह कहते हुए उदय वहाँ से चला गया। भरे आए कंठ मतलब कि एक रोनी सी आवाज़ में बोलते हुए वहाँ से यह चला गया। संध्या समय बाबूजी ऑफिस से आए। इस घटना को सुनने के बाद उन्होंने बहुत बुरा लगा। जब शाम को समय उसके बाबूजी आए तो उन्होंने सुना कि उसका सिक्का चोरी हो गया, तो उन्हें भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने गौरव को समझाया, कहा, गौरव तुमसे कतई उम्मीद नहीं थी कि तुम उदय के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार करोगे। बाबूजी ने गौरव से कहा कि तुमसे यही उम्मीद नहीं थी कि तुम गौरव के साथ ऐसा अभद्र बुरा व्यवहार करोगे। वह बहुत अच्छा लड़का है, उस पर चोरी का आरोप लगाना गलत बात है। तुमने ही सिक्का गलती से कहीं रख दिया होगा। यह कहकर उन्होंने हाथ में थमे अखबार की वह खबर दिखाई जिसमें उदय की तस्वीर छपी थी और लिखा था कि प्रबोधन क्रीड़ा भवन का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 वर्षीय उदय देश पांडे ने प्रतिष्ठित चतुरंग मुंबई शतरंज जूनियर चैंपियनशिप जीती है। इस प्रतियोगिता में 22 प्रतियोगियों ने भाग लिया था। गौरव ने भी अनुभव किया कि उसने गलती की है। वह अपने कमरे में चला गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, वह सोना चाहता था। चादर को ठीक करते समय सरहाने के गद्दे को उठाया तो वहाँ उसे तांबे का सिक्का दिखाई पड़ा। अब सारी बात दर्पण के समान स्पष्ट हो गई थी। परसों रात को सोते वक्त वह लेंस के सिक्के को बारीकी से अध्ययन कर रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतीक चिन्ह के नीचे कुछ अस्पष्ट लिखा था, उसको वो पढ़ रहा था। उसे वह पढ़ना चाह रहा था। नींद में बिजल होने की वजह से उसने सिक्के को गद्दे के नीचे अपने सरहाने पर रख दिया और यह बात भूल गया। अपराध बोध के कारण वह तकिए में मुँह छिपाकर रोने लगा। अब उसको बहुत ही अफसोस हुआ कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमें ऐसा नहीं करना था। तो वो क्या करने लगा, तकिए में मुँह छिपाकर रोने लगा। गौरव को खाना खाने के लिए बुलाने आई माँ गौरव को खाना खाने के लिए बुलाने आई गौरव को यूँ उसे सकते देखा तो घबरा गई। रोते हुए देखा तो उसकी माँ घबरा गई। पूछने पर उसने माँ को रोते रोते सारी बात बता दी। बाबूजी को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने स्थिति को समझते हुए उसे डांटा नहीं बल्कि अपनी गलती का प्रायश्चित करने को कहा। गौरव भी आँखें अभी आंसुओं से भीगी हुई थी। उसने कहा, बाबूजी मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा है, अब वह मुझे कभी बात नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। बाबूजी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास इतनी जल्दी हो गया, यही क्या काम है, चलो मेरे साथ उदय के घर। बाबूजी कहते हैं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, चलो अब तुम मेरे साथ उदय के घर चलो, वह तुम्हें ज़रूर माफ़ करेगा। बरसों की दोस्ती किसी कच्चे धागे की तरह तोड़कर तुम दोनों को क्या हासिल होगा। बाबूजी के संग गौरव उदय के घर गया। बाबूजी बैठक में उदय के पिताजी गजानन बाबू से बोले, हमारा गौरव छोटे से भ्रम के कारण उदय से झगड़ पड़ा।
और जब सच्चाई सामने आई तो रोने लगा। उनकी आवाज़ सुनकर उदय भी कमरे से बाहर आ गया। गौरव उदय से आंखें नहीं मिला पा रहा था। उदय स्थिति को समझ गौरव को अपने कमरे में ले गया। थोड़ी देर से आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए दोनों मित्र बाहर आए। उदय ने गौरव को माफ़ कर दिया था। सारी गलतफहमी अब आंसुओं के निराकरण से हो चुकी थी। गौरव को अपनी मित्रता के सामने अब वह दुर्लभ सिक्का तुच्छ लगने लगा था। तुच्छ मतलब कि छोटा लगने लगा। जो कीमती सिक्का था वह दोस्ती के सामने एक छोटा सा लगने लगा। घर से चलते वक्त वह सिक्का अपने हाथ ले आया था। उसने शतरंज चैंपियनशिप जीतने पर वह तांबे का सिक्का उदय को भेंट में दिया। जो घर से सिक्का लाया था तांबे का, उसने किसको दे दिया? उदय को दे दिया, क्योंकि वो चैंपियनशिप जीता था। गौरव के बाबूजी और गजानन बापूजी ने तालियां बजाकर उस क्षण का स्वागत किया। गौरव के बाबूजी ने कहा, ध्यान देने वाली बात तो यह है कि जिस ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से अंग्रेज़ों ने हमारे भारतवर्ष पर अपने पैर जमाए और सैकड़ों वर्ष तक हमें परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े निरंकुश शासन करते रहे, आज वही ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सिक्के ने तुम दोनों की बरसों की अटूट दोस्ती को एक पल में तोड़ दिया। तो इसी से इस बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि इस तरह मुट्ठी भर अंग्रेज़ों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर पूरे भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया था। वे भाई भाई को लड़वाकर तमाशा देखते रहते, हुकूमत चलाते रहते। आवेश में आकर उनकी आँखों से दो बूंद आंसू की ढलक पड़ी। वो दोनों बाबूजी आपस में बात करने लगे, अपने बच्चों को समझाने लगे कि देखो, सिर्फ एक मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सिक्का है उसने तुम दोनों की दोस्ती को मिटा दिया, तो इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी उन लोगों ने भी इसी तरह भारत पर राज किया था और भाइयों भाइयों को आपस में लड़वाया था। धन्यवाद।